नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। कंगना रनौत इस वक्त थप्पड़ कांड की वजह से चर्चाओं में बनी हुई हैं। हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक CISF की जवान ने कंगना रनौत को चेकिंग के दौरान थप्पड़ जड़ दिया था। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, हर तरफ कंगना और उन्हें थप्पड़ मारने वाली CISF जवान की चर्चा होने लगी। जिस महिला ने कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ा, वो CISF की कांस्टेबल हैं और उनका नाम कुलविंदर कौर है। कंगना रनौत के साथ एयरपोर्ट पर जो हुआ, उसकी वजह कंगना रनौत का किसान विरोधी बयान बताया जा रहा है। दरअसल किसान आंदोलन के समय दिल्ली धरने पर बैठने वाली महिलाओं को लेकर कंगना ने कहा था वो 100-100 रुपए लेकर बैठी हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को खालिस्तानी तक बता दिया था। कंगना को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर को भले ही अब सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो कंगना को थप्पड़ मारने के लिए कुलविंदर कौर को 1,00,000 रुपए देना चाहता है। बता दें कि जब से कंगना रनौत का थप्पड़ कांड वाला वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद से इस मामले को लेकर दो धड़ों में लोग बढ़ चुके हैं। कुछ लोग कंगना के साथ हुई इस हरकत पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग कुलविंदर कौर के सपोर्ट में उतर आए हैं। अब पंजाब के एक बिजनेसमैन कुलविंदर कौर को 1,00,000 रुपए इनाम में देना चाहते हैं। दरअसल ट्विटर, जो कि अब एक्स है, उस पर गगनदीप नाम के एक पत्रकार ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें पंजाब का बिजनेसमैन शिवराज सिंह कुलविंदर कौर को 1,00,000 रुपए देने की बात कर रहा है। पत्रकार ने अपने पोस्ट में लिखा, जीर कपूर मोहाली के बिजनेसमैन शिवराज सिंह बैंस ने घोषणा की है कि वह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली CISF कांस्टेबल कुलविंदर कौर को 1,00,000 रुपए देंगे। वहीं इस वीडियो में बिजनेसमैन शिवराज सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF वाली अपनी बहन कुलविंदर कौर को, जिसने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है, मैं उस लड़की को पंजाबी और पंजाबियों को बचाने के लिए सलाम करता हूं और इसे 1,00,000 रुपए इनाम में दूंगा। बता दें कि कुलविंदर कौर का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कंगना पर गुस्सा निकालती दिखाई दे रही हैं। वायरल हो रही वीडियो में वो कह रही हैं कि कंगना ने किसान आंदोलन में कहा था कि 100-100 रुपए के लिए महिलाएं धरने पर बैठी हैं, क्या कंगना वहां बैठ पाती? मेरी माँ बैठी थी वहां जब इसने ये बयान दिया। चलिए दिखाते हैं आपको कुलविंदर कौर का ये वीडियो। बता दी कि थप्पड़ कांड के बाद कंगना रनौत ने भी अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर इस मामले पर नाराजगी जाहिर की थी। कंगना ने इस घटना के बाद पंजाब में बढ़ती आतंकी सोच पर चिंता जताई। कंगना ने जमकर अपना गुस्सा निकाला। चलिए दिखाते हैं आपको कंगना का ये वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ, वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली, तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ के जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू। बता दें कि हाल ही में कंगना रनौत ने हिमाचल की मंडी से BJP की टिकट पर चुनाव लड़ा था। कंगना ने भारी मतों से जीत हासिल कर कांग्रेस के विक्रम आदित्य को करारी मात दी थी। कंगना ने 70,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। मंडी की नर्व निर्वाचित सांसद कंगना दिल्ली जा रही थी, जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनके साथ ये घटना हो गई। वैसे कंगना से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।